अब जैसे तेल बाहर आ रहा है तो उसको आप पोंछते रहें, उष्णों तक तेल होना चाहिए, हल्का गुनगुना उसका तेल होना चाहिए, बहुत अत्यधिक गर्म ना हो। दैट इज सिरोपिच्छू। जिन व्यक्तियों को सिरोधारा लेने में कठिनाई होती है, असुविधा होती है, बहुत देर तक लेट नहीं पाते, उनके लिए